विधानसभा एतमादपुर के मुरही चौराहे पर लगेगी। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा, क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल ने प्रतिमा लगाए जाने वाली जमीन का किया निरीक्षण। विधायक धर्मपाल सिंह चौहान बोले, बहुत जल्द पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह चौहान की इस पहल को सुनकर क्षेत्र की जनता में काफी हर्षोल्लास दिखा। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृत मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी ने यहाँ पे महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्वीकृत की है। उसके लिए मैं पेडेस्टल का देखने आया हूँ। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ महाराणा वीर प्रतापी माननीय पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगे। रोड का चोरी वगैरह भी हो रहा है, वो तो हमारा NH हो गया है जो हमारी आगरा जलेसर है। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और हमारे मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब का। उनके प्रयास से सड़क का चौड़ीकरण स्वीकृत हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। 10 मीटर सुंदर सड़क बनेगी और तब तक हमारा एतमादपुर खंदौली का भी 2200 रुपया स्वीकृत होकर जारी हो जाएगा। तो दोनों ही रोड है बहुत सुंदर और मजबूत बने। बहरामपुर पे बड़ा दिक्कत है पुल को लेकर, वो कोशिश करेंगे, वो पुल वाला भेजा है उसे सीधा कराने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक, नहरों को लेकर के किस तरीके का काम चल रहा है? नहरों का अभी थोड़े दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब बताएंगे। हमारे यहाँ 2 बड़ी नहरें आदर्श नहर बन गई हैं, उनके लिए सरकार बहुत जल्दी एक बड़ा अमाउंट जारी कर रही है जिसमें उन नहरों का पुनरुद्धीकरण करेंगे और उन्हें पुरानी स्थिति में ले जाएंगे, गुलाबी लगाएंगे, उनकी लेवलिंग करेंगे, बहुत अच्छी बना रहे हैं। थैंक यू।